मातृसेवा संघ समाज कार्य संस्था और भारतीय सामाजिक शास्त्र अनुसंधान संस्थान दिल्ली के इनके संयुक्त तत्वावधान में 2 दिन का राष्ट्रीय चर्चा सत्र का आयोजन बजाज नगर स्थित मातृसेवा संघ समाज कार्य संस्था परिसर में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष से कई महानुभाव उपस्थित थे। पूरे भारतवर्ष में 800 से ज्यादा संरक्षित क्षेत्र हैं और 50 व्याघ्र प्रकल्प हैं, जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा इनमें 90% आदिवासी लोग हैं। विदर्भ का तकरीबन 1% क्षेत्र संरक्षित है। इतना ही नहीं तो विदर्भ में 6 बाघ प्रकल्प है, जिसकी वजह से बाघों के संरक्षण का मुद्दा तो रहता ही है, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के बारे में कोई सोचता तक नहीं। ऐसे में उनके बारे में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ध्यान दे। इस पहल को लेकर मातृसेवा संघ के परिसर में राष्ट्रीय चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। इस बारे में मातृसेवा संघ के प्राध्यापक डॉक्टर केशव वालके इन्होंने इन विषय समक्ष जानकारी दी। साथ ही साथ इस मौके पर कल्प वृक्ष संस्था की नीमा पाठक इन्होंने इन विषय समक्ष जानकारी दी। तो इसके पीछे ये उद्देश्य है कि आज हमारे देश में बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और उन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आदिवासी और अन्य समाज रहते हैं जो उन संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो ये जो सम्मेलन है, इसको ये समझने की एक चेष्टा है कि इन लोगों का इन संसाधनों और इनमें रहने वाले वन्य जीवों के साथ क्या संबंध है, क्या लोगों के साथ मिलके भी संरक्षण किया जा सकता है, किन स्थितियों में लोगों का विस्थापन होना चाहिए, और अगर विस्थापन करना ही है तो उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। जैसे कि वन हक कानून में कहा गया है कि पहले किसी भी विस्थापन से पहले ये निर्धारित करना चाहिए कि क्या इन लोगों के यहाँ रहने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से किसी प्रजाति को दुर्लभ होने का बहुत भयंकर खतरा है। अगर ऐसा खतरा है तो फिर उन लोगों के साथ चर्चा करके ग्राम सभाओं की अनुमति लेके उनको क्या वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, और उन्हीं परिस्थितियों में निकाला जा सकता है अगर वो तैयार हों, उनको भरपूर मुआवजा दिया गया हो, और जहाँ पे उनको विस्थापित किया गया है वहाँ पे सभी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध की गई हैं, जो कि आज की स्थिति में हो नहीं रहा है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे पास वन हक कानून है आज की स्थिति में, जहाँ पर ये कहा गया है कि ये सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए विस्थापन से पहले, तो सरकार पूरी ऑनेस्टी से इन कानून का को निभाए, का इम्प्लीमेंटेशन करे। मातृसेवा संघ परिसर से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इन बी सी न्यूज, नागपुर।